आप ये बात ना करें कि चीन में कुत्ते खाए जाते हैं या फलाने जगह पर खाए जाते हैं। आप मुसलमानों पर जो बीत रही है वो बात करें, हम भी बात कर रही हूँ। मैं तो उसी पर, हम लोगों का ना फोन इस वक्त इसलिए खोला हुआ क्योंकि इसराइल अटैक कर रहा है। अभी रिसेंटली चाइना में मस्जिद टूटी है, इतना खून मैंने किसी का खोलता हुआ देखा ही नहीं है, जबकि मैं चाह रही थी उनके खिलाफ भी फिर नारे लगाओ। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? उठो, कुछ जागो, कुछ करो, मुसलमानों के लिए यही टाइम है। अगर मुसलमान जंग रोको, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी मुद्दा लेकर गए हैं। मेरी बात सुने, जब एक काम हो गया तो उसको रोकने के लिए कोई तो तरीका होना चाहिए ना, चाहे वो अपील कर रहे जी इसको रोको, नहीं रुकती तो मुसलमानों को इकट्ठा हो जाना चाहिए। अच्छा। भाई हर जगह पर मुसलमान, जो इन्होंने बोला नाजिया इलाही खान है बेसिकली, ये क्या कहेंगे इनके, ये तो पागल है, ये तो पागल है, इसको पता ही नहीं अभी इसकी उम्र कितनी होगी, 20 साल 30 साल 40 साल। ये तो मुसलमान की असल कहानी तो ये है कि इसराइल यहूदी के साथ हम कैसे पहुंच सकते हैं, हम उसको बर्बाद कर देंगे। आप यहूदी की बात कर रहे हैं, हर नॉन मुस्लिम की बात करें ना फिर बीच में। हम मुसलमान ही है, सारे मुसलमान वही चल। मैं आप कह रहे हैं ना यहूदियों के साथ, हर मुसलमान, हर नॉन मुस्लिम की बात करें ना आप, फिर चाइना को भी बीच में घसीटे, फिर बीच में अमेरिका को भी घसीटे। जंग शुरू होगी ना तो सारी दुनिया शुरू हो जाएगी और चाइना के तलवे चाटते हैं। नहीं नहीं, हम नहीं चाट रहे, हमें कोई डॉलर डॉलर नहीं चाहिए, हमें इतना नहीं है, हम अमेरिका आपको नहीं चाहिए, मैं तो पूरा सबकी इकट्ठी बात कर रही हूँ। हाँ, इंशाल्लाह चीन भी आएगा, अमदाद करने के लिए आएगा, मदद करने के लिए आएगा, इसराइल की मदद करेगा और चीन भी करेगा। चीन ऐसी फलस्तीन की, फलस्तीन की ऐसा कौम है चीन, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है, चाइना मुस्लिम है बीच में, सर गवर्नमेंट तो उनकी नॉन मुस्लिम है ना, जो मर्जी हो, लेकिन वहाँ पर मुसलमान भी तो रहते हैं ना, मुसलमान तो बहुत कम मिकदार में रहते हैं, मुसलमानों के हालात वहाँ पर भी मुसलमान आए हैं, लेकिन क्या है कि ये सारी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे होंगे तो इसराइल की अस्थि खराब हो जाएगी, जमीन से मिट जाएगा। आप सोचें, सब्र करें, अगर ये 2-4 दिन बंद ना हुई तो देखना हर जगह से ऐसे काफले निकलेंगे कि इसराइल को पनाह नहीं मिलनी। ये सियासतें होती हैं दुनिया पे, आखिर ये जो फसाद दुनिया पर मुसलमानों पर होते हैं ये कोई मुसलमान नहीं करा रहा, ये यहूदी करा रहे होते हैं। आप यहाँ तक पहुँचे, तय तक पहुँचे, इंशाल्लाह चाइना की वो, ये हमारे पासपोर्ट पर जो इसराइल का हराम है वो है ही हराम है, हम कैसे चले जाए इसराइल, वो उसका खाना पीना भी हराम है, उससे जब वो मुसलमान के साथ इतनी दुश्मनी, तुर्की घोड़े खाता है वो हलाल है, वो कोई बात नहीं, हर इंसान एक आदमी घोड़ा खा गया तो वो चाइना कुत्ते खाता है, चाइना कुत्ते खाता है, चाइना चूहे खाता है, वो हलाल है क्या? नहीं नहीं, हलाल नहीं है, हराम है, दीन में लिखा हुआ चीजें हलाल है, अगर कोई हराम खा जाता है, आपको खबर कहीं से आ गई है, वो मुसलमान थोड़ी खा गया, कोई और खा गया होगा, आपको यही है कि मुसलमान खा गया। आप बात करें ना इसराइल की कि वो लोग ये चीजें हराम चीजें खाते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि चाइनीज भी नॉन मुस्लिम है, वो भी ये चीजें खाते हैं। वो उसमें कई लोग ऐसे होते हैं कि जिसकी खुराक जो लग गई है बचपन से, उसने वो ही कर रहे हैं, आप क्या बातें कर रहे हैं, मेरी बात से उसने वही खाना है, चाहे यहूदी है चाहे कोई भी है, यहूदी तो खाएगा ही खाएगा, उधर भी यहूदी होंगे तो खाएंगे, मुसलमान ये चीजें नहीं खाएगा। आप चाइना की तरफ ना जाएं, आप इस उधर ही आए ना, इसराइल जिधर से आपने मेरे से बात की है, आप इसराइल से बात करें ना, जो भी शुरू हुई है, आप चाइना को बीच में क्यों ला रहे हैं, चाइना तो किसी मुस्लिम की बात, आप अभी इंडिया को भी नहीं लाए, आप किसी कंट्री को लाए, आप इसराइल से, इसराइल की टॉपिक पर बात करें, क्यों इसराइल ने जो मुसलमानों पर जुल्म किया है वही बात है। अच्छा, जो हमारी अरब मालिक, आप ये बात नहीं करो कि फलाने ने ये किया तो फलाने ने, ये यहाँ से फसाद शुरू होते हैं। अच्छा। आप ये बात ना करें कि चीन में कुत्ते खाए जाते हैं या फलाने जगह पर खाए जाते हैं, आप मुसलमानों पर जो बीत रही है वो बात करें, हम भी बात कर रही हूँ। मैं तो उसी पर, हम लोगों का ना फोन इस वक्त इसलिए खोला हुआ क्योंकि इसराइल अटैक कर रहा है। अभी रिसेंटली चाइना में मस्जिद टूटी है, इतना खून मैंने किसी का खोलता हुआ देखा ही नहीं है, जबकि मैं चाह रही थी उनके खिलाफ भी फिर नारे लगाओ। नहीं नहीं, हम नहीं लगाएंगे, हम चाइना के साथ कैसे लगाएंगे, ये कोई और सियासत है, हम ऐसे, हमें, मुझे तो इल्म ही नहीं है कौन सी मस्जिद, कोई इल्म ही नहीं। चाइना ने कोई 1000 मस्जिद नहीं निपटाए हैं, 10 से 13 हजार मस्जिद जो है चाइना में निपटा दिए, और इस पे पाकिस्तानी कुछ बोले ही नहीं, उनकी आवाज ही नहीं खुली, और बोलेंगे भी कैसे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जब उसने इस चीज पे कुछ नहीं बोला तो पाकिस्तानी कहाँ बोलेंगे, सुनिए आप। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims?
frankly, I don't know much about that. Do you have any concerns about what is going on in Xinjiang to Chinese Muslims? At the moment, I do not know enough about it. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, you know, we have been facing so many of our internal problems right now that, you know, I have not really, I don't know much about this problem. तो सुना आपने, जो फलस्तीन और हमास के सगे बनते फिर रहे हैं ना, ये बस दूर दूर से अच्छा लगता है, पास जाने में इनकी हिम्मत नहीं है। जो इसराइल को इतना बुरा बोल रहे हैं, चाइना को क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि चाइना इनका अब्बू है, इनको डॉलर भेजता रहता है वो। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।